यूपी में बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि यूपी की कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर दरिंदे एक के बाद एक मासूम बच्चियों के साथ दरिंदगी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। दिल को झकझोर देने वाला ताजा मामला सायहापुर का है। यहां 6 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया गया। दरिंदगी के बाद बच्ची की हत्या करने की भी कोशिश की गई। फिलहाल गंभीर हालत में बच्ची को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस मामले में कार्रवाई की बात कर रही है। घटना थाना खुदागंज क्षेत्र की है। यहां 6 साल की बच्ची अपने खेत में काम कर रही थी। इसी बीच गांव का ही अमित नाम का युवक बच्ची का मुंह दबाकर गन्ने के खेत में ले गया। यहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। जब बच्ची ने चीखने की कोशिश की तो दरिंदे ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। इतना ही नहीं, बच्ची की हत्या करने के लिए उसने बच्ची के मुंह में गन्ना भी ठूंस दिया। बच्ची के चीखने के बाद दरिंदा युवक मौके से फरार हो गया। खून से लथपथ बच्ची को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। यहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। यहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। बच्ची क्या क्या करने गई थी, कहां गई थी? बच्ची धान बिनने गई थी पंजाबी वाले खेत में, तो उधर से वो गन्ना खाते हुए लड़का आते थे, उसने कही था तो मुझे गन्ना खेत में लाई गई, तो उसको जबरदस्ती पकड़ के लगे अंदर गन्ना खेत पर, वहाँ जब जबरदस्ती कर उसकी बच्चे को बहुत मुश्किल से हाथ छुट पाए, तो भाग गया आई गन्ना खेत पर, फिर लड़का नहीं मिल पाए। लड़का कितना बड़ा था, कौन था? 20-22 साल। पुलिस बता रही लड़का नाबालिग है, छोटा है, कम उम्र? छोटा नहीं, बड़ा। पुलिस ने क्या कार्रवाई की है अभी तक, किस तरीके से पुलिस ने सपोर्ट किया? कोई थाने गई थी, थाने गई तो पुलिस ने क्या कहा, क्या करा? हमें तो देखो अंदर बैठे थे, मुझे तो पता नहीं क्यों गए थे। पुलिस का दावा है कि बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है। घटना के बारे में जो पीड़िता है उसने बताया कि गांव का ही एक लड़का उसे गन्ना खिलाने के बहाने से गन्ने के खेत में लेकर गया, जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म की घटना की। इस घटना का तत्काल संज्ञान लिया गया और थाने की फोर्स और अधिकारी मौके पहुंचे और पूरी घटना का मौका मुआयना इसमें किया गया है। जो पीड़िता है उसकी उसको मेडिकल के लिए भेज दिया गया है और उसकी हालत सामान्य है। जो अभियुक्त है उसको शीघ्र से शीघ्र पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जो फील्ड यूनिट ऑफ फॉरेंसिक साइंस की हमारी टीम है उसको भी घटनास्थल पर कर भेजा गया था और जितनी भी फॉरेंसिक एविडेंस और जो अन्य एविडेंस है जो केस को मजबूत करती है उसको वहाँ से कलेक्ट कराया गया है। अब हमारा उद्देश्य ये है कि इस दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना हुई है उसको हम जल्द से जल्द इसमें चार्जशीट करेंगे और उसके बाद इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाते हुए जल्द से जल्द अभियुक्त को सजा मिले, ऐसा हमारा पूरा प्रयत्न रहेगा। अब सवाल यही उठता है कि आखिर यूपी में दरिंदे कानून को ताक पर रखकर एक के बाद एक बच्चियों के साथ घटनाओं को अंजाम कैसे दे रहे हैं? क्या कानून व्यवस्था महिला सशक्तिकरण जैसे कार्यक्रमों की खानापूरी में ही सिमट कर रह गया है?